प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ख्वाब में पानी देखने की मुकम्मल ताबीर शेयर करूंगी। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनके मुख्तलिफ ताबीरें हैं, इसलिए आप सब इस्लामी भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू इस्लामिक सीड चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह पाक के फजल करम के साथ नहायत खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्लाह सुबहाना व ताला से दुआ है कि वो हम सब पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ख्वाब में खुशगवार पानी देखना खुशगवार ज़िंदगी की दलील है। हज़रत इब्ने सुरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में अगर कोई खुशगवार पानी खुद को बहुत सारा पीता देखे तो इसकी उम्र दराज होगी, लिहाजा जो अपने घर में पानी देखे तो ये सआदतमंदी और मालो गनीमत की बशारत है। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ख्वाब में गर्म पानी की ताबीर। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर देखे कि पानी गर्म पीता है तो बीमारी और रंज की दलील है, और अगर देखे कि इस पर गर्म पानी गिराया गया है तो ये इसको खबर नहीं है तो दलील है कि ये बीमार होगा, इसको सख्त गम पहुंचेगा, और अगर वो देखे कि पानी में गिरा है तो ये दलील है कि रंज और गम में गिरफ्तार होगा, और अगर पानी प्याले में उठाया हुआ है तो दलील है कि माल की तरफ माइल होगा, और अगर कांच के प्याले में अपनी औरत को पानी दिया है तो दलील है कि प्याला टूटा हुआ है तो बीवी मरेगी और बच्चा रहेगा, और अगर पानी गिरा और प्याला खाली रहा है तो दलील है कि बच्चा मरेगा और औरत बची रहेगी। ऐसा ख्वाब देखने वालों को चाहिए कि वो सदका करे, क्योंकि सदका बुरी आफात मुसीबत को टाल देता है, और अगर वो देखता है कि वो ख्वाब में बेवजह लोगों को पानी देता है तो दलील है कि दुनिया और आखिरत में लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा और वीरान जगह को आबाद करेगा, और अगर ख्वाब में देखे कि जिस घर में पानी गिरा हुआ था और वो उस घर के अंदर दाखिल हुआ है तो दलील है कि गमगीन और मुफक्किर होगा, और अगर देखे कि प्याले के साफ पानी को कुत्ते की तरह पिया जा रहा है तो ये इस बात की दलील है कि ऐश और इशरत से ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन ऐसा काम करेगा कि जिससे वो बला और फितने में पड़ेगा, और माल थोड़ा थोड़ा करके लोगों को बख्शेगा और खैरात में खर्च करेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मज़ीद ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानल्लाह।